ये तस्वीरें हैं वर्दी की हनक और सत्ता के भौकाल के टकराव की। वीडियो रामपुर का है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ एक पेट्रोल पंप पर खनन का एक डंपर पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद काली टी शर्ट में ये युवक अपने साथियों के साथ पहुँचता है डंपर को छुड़वाने के लिए और वहाँ पर भिड़ जाता है पुलिस कर्मियों से। पुलिस वाले को जमकर हड़काता है। इसको लेकर पुलिस कर्मी और उस युवक के बीच हॉट टॉक होती है, बात गाली गलौज तक पहुँच जाती है। वीडियो में पुलिस कर्मी को गाली दे रहा ये युवक रामपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू का बेटा आशु बताया जा रहा है, जो सत्ता की हनक में जमकर पुलिस वाले को गरियाता है। देखिए कैसे पुलिस वाले को ये शख्स दुत्कार रहा है। इस दौरान ये शख्स पुलिस वाले पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप भी लगाता है। तो वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी जमकर बहस करता देखा जा सकता है। हालांकि इस बीच साथी पुलिसकर्मी बीच बचाव में उतरते हैं, दोनों को अलग करते हैं। भिड़ रहे पुलिस वाले को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानो ये पुलिस वाला भी कुछ करने पर ही आमादा है, फिर से बाइक से उतरकर भिड़ जाता है। काफी देर तक ये हंगामा गाली गलौच वहां पर चलती रहती है और बाद में जैसे तैसे मामले को शांत करवाया जाता है। पुलिस वाले को डंपर छोड़कर रवाना करवाया जाता है, लेकिन इस दौरान वहां पर जी भर कर इस झगड़े का वीडियो बना लिया जाता है, जो अब वायरल है, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी एक्शन की बात कह रहे हैं। सर रात्रि में जो वीडियो पेट्रोल पंप पर वीडियो वायरल हो रहा है, सर क्या है पूरा मामला? जो रात में वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर को इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई है। वह गहन जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वैसे इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।